धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नहीं गोपी, वो इस अचार में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ माँ जी? ये अचार बेस्वाद है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। पर माँ जी, मैंने ये अचार भी वैसे ही बनाया जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। नहीं गोपी, वो जैसे तुम्हारे हाथ का बना हुआ आचार होता है वैसा ये आचार नहीं है, और इसका कारण मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जरूर इस आचार में कुछ गलत मिला है या कुछ मिलाना रह गया है। राशि, तुमने जरूर सहायता के नाम पर कुछ लापरवाही की होगी। नहीं काकी जी, मैं तो बस वैसा ही करती गई जैसा गोपी मुझसे कहती गई। उसने कहा हल्दी तो मैंने हल्दी डाल दी, उसने बस। तुम्हारे पास राशि सफाई के लिए हमेशा शब्द होते हैं। कोकिला, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या गलती हुई है, कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई है। काकी जी, में मेथी की कमी है, मेरा मतलब पीसी हुई मेथी। लेकिन वो तो तूने। राशि, एक बात बताओ, जब गोपी वह आचार की सामग्री मिला रही थी तब तुम वहाँ उपस्थित थी? हाँ। मैंने तुमसे जैसे जैसे कहा था ठीक वैसे ही तुमने मसाला पीसा है? नहीं काकी जी, मैंने तो। राशि, अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी, ये याद रखना। तो माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ क्योंकि मसाले मैंने ही मिलाए। गोपी भाभी, ये पिसी मेथी आपको चाहिए या मैं इसे रख दूँ? मीठी बहन, ये आपको कहाँ से मिली? वो मैं आंगन साफ कर रही थी तो ये कटोरा मुझे गैस के चूल्हे के नीचे से मिला। लाइए। इसका मतलब पता नहीं माँ जी, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। क्या होगा, मैं कैसे भूल गई अचार में मेथी मिलाना। मीठी, ये अचार रसोड़े में रखो। अरे वाह, इस सर्व गुण संपन्न से गलती कैसे हो गई। मीठी, इसे भी अंदर रख दो। मीठी, अब तुम भी बेध्यान हो गई हो, काम में तुम्हारा ध्यान नहीं है। अब जल्दी से फर्श साफ कर दो
अच्छी रानी बाबू। गोपी अब क्या किया जा सकता है? वैसे मैं जानती हूँ तो जिस भी चीज को छूती है वो हमेशा स्वादिष्ट बन जाती है, लेकिन इस बार तुझसे गलती कैसे हो गई? पता नहीं राशि बेद, पर परसों तक मेहता जी को यह अचार देना है और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे फिर से ये सब कुछ बना पाऊंगी। गोपी गोपी दिख रहा, भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा, यू रोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोकिला अब तू ही समझाना इसे कुछ। मोटा भाभी अब मैं इसे क्या समझाऊं? जब मैंने इसे समझाया था कि ऐसी अवस्था में काम का इतना बोझ उठाना उचित बात नहीं है, तब इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब जब इसे काम करना ही है तो मैं क्या समझाऊं इसे? गोपी तुम रो क्यों रही हो? बहन जी मैं अचार में कुछ जरूरी मसाला मिलाना भूल गई, सारा अचार बर्बाद हो गया। गोपी अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्यों मैं गोपी वहू के आचार के कारोबार करने के विरुद्ध थी? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी काम का इतना बड़ा बोझ गोपी वहू को शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव देगी जो ऐसी अवस्था में वो उठा नहीं पाएगी। पर अहम इतने मानसिक और शारीरिक तनाव में रहकर उसे काम करने की आदत नहीं है। अने बीजी बात, घर के लिए खाना बनाना और कारोबार के लिए कुछ बनाना ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं क्या कह रही हूँ ये तुम समझ रहे हो ना एम? मुझसे कुछ भी नहीं होता, कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पाती। गोपी चलो चुप हो जाओ। देखे ना हिमजी, आप सबने मुझ पर भरोसा किया और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने मैंने आपके बगैर भाजी बिल्कुल सही कहती। गोपी गोपी देखो तुम घबरा मत, इतना निराश होने की बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम सब ठीक कर लें। अहम बराबर बोले छे गोपी डिकरा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बैठ। तूने तो सुना ही होगा कि रात के बाद दिन, तो
दुख के बाद सुख, ऐसे ही कठिनाइयों और समस्याओं के बाद उनका हल होता है। तो फिर हार मान माननी शू आज और तेरे कान्हा जी के पास तो हर सवाल का जवाब है, और विशेष रूप से कान्हा जी तेरे साथ हमेशा ही रहते हैं, तेना ध्यान रखते हैं। बाप, क्या कुछ करके आचार को ठीक नहीं किया जा सकता? हाँ, पाकी तो हूँ कहीं नहीं बोली सकती, पर हाँ कोशिश तो की जा सकती है। हाँ, पर कैसे बाप? एक बर्तन में थोड़ा थोड़ा आचार डालकर उसमें भुना और पीसा हुआ मेथी दाना मिलाते जाओ, और फिर सब पूरा आचार एक जगह करके अच्छी तरह से मिला लो। अभी भी तुम्हारे पास एक दिन का समय है। इतने समय में मेथी दाना आचार में एक रस हो जाएगा, और आचार का वही साथ बनेगा जो उसका होना चाहिए। पर एटलू बद्दू करवामा है समय तो जैसे, पर बा आप घबराइए मत, गोपी के साथ मैं हूं, मैं इसकी मदद करूंगा।